बहुत मजेदार मूवी थी, जरूर चेक करना। और अब मैं तमन्ना को आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा सारी मार्वल की मूवीज चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्हील्स एंड फोक्स। आज मैं और अक्षित फिर से जा रहे हैं कहीं घूमने और लेके जा रहे हैं आपको साथ। तो अक्षित बताएगा हम कहाँ कहाँ जाएंगे आज। तो आज हम जा रहे हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखने। तो स्पाइडरमैन कैसा सीन है, मैंने मार्वल की सारी मूवीज देखी है, तमन्ना ने नहीं देखी थी, पर तमन्ना को भी मैंने मतलब सारे रीकैप दिखा दिए हैं स्पाइडरमैन के, खाली कि स्पाइडरमैन 1, 2, 3 अमेजिंग स्पाइडरमैन, और जो यहाँ पे स्पाइडरमैन होमकमिंग फार फ्रॉम होम, ओ सॉरी हम देखने जा रहे हैं नो वे होम। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, फार फ्रॉम होम तो देख चुके हैं, नो वे होम देखने जा रहे हैं। और उससे पहले हमने सोचा क्या खा लेंगे हम, डोसा। लाइक आप लोग बोलोगे डोसा डोसा ही करते रहते, पर आज हमने फिर से कॉल की और पूछा कि डोसा अवेलेबल है, तो हमें मिल गया फाइनली, और आज हम डोसा खा के रहेंगे। आज हमने डोसा खाना ही खाना है, जो मर्जी हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं, 7:30 बजे हैं, 10:30 का शो है, 3 घंटे हमारे पास। उससे पहले हम थोड़ा फोक्स का ना क्रिसमस पे भी थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगाई है ना। हाँ, ये अक्षित कल जाके अपने दोस्त के साथ मेरे को धोखा देके मेरे को बताया नहीं इसने जा रहा है, तो आज मैं जाके रहूंगी फोक्स भी, और लाइट्स देख के आते हैं। चले चले। एंड जस्ट अ हेड्स अप गाइस कि आज पहली बार हम टाइम पे हैं, लाइक टाइम से काफी पहले है, क्योंकि कुछ काम नहीं बचा था ये, पर हुआ पहली बार है। चलो पहले चलते हैं और गाड़ी में थोड़ा फ्यूल डलवाते हैं, क्योंकि मंडे yes, को कैनेडा में फ्यूल नहीं बोलते अंग्रेज़ी। चलो ठीक है, गैस yes. बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी गाड़ी में गैस डलवाते हैं, क्योंकि मंडे को लगता है यहाँ पे ऑफ, जिसका हम पूरा फायदा उठाएंगे और गैस डलवा के जाएंगे आगे। 5 सेंट की ऑफ के चक्कर में ना सारी यहाँ पे लाइन लगती है, हमारे घर की 1.5 किलोमीटर दूरी है ये वाला पेट्रोल पंप। यहाँ पे क्या करता है, हर मंडे 5 सेंट ऑफ। तो कनाडा में अगर आपको नहीं पता पेट्रोल का क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे पेट्रोल होता है सेंट्स के हिसाब से, जैसे 129 सेंट्स का 1 लीटर, ठीक है। तो अब यूजली 129 का चल रहा है अभी, बट आज 124 का पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार इतने में 1-5 सेंट का क्या ही फर्क पड़ता है, पर जब गाड़ी में 40 लीटर तेल डलता है, 30-40 लीटर, तो वो जो है वो अल्टीमेटली मतलब 2-3 लीटर कम से कम एक्स्ट्रा पड़ जाता है गाड़ी में उसकी वजह से। तो सारे जो है गाड़ी लगा के पूरा पूरी टंकी फुल करवाते हैं मंडे, और हमें आज तो एक ही गाड़ी मिली है, तो मन्ना है ना, आगे यूजली कितनी लंबी लाइन होती है, लाइक पूरा आधा आधा घंटा भी वेट करनी पड़ती है जस्ट इन द लाइन, और इनके सारे पेट्रोल पंप भी स्लो हो जाते हैं मंडे को। हाँ, और मंडे को ये बोलते हैं कि हमारी मशीन नहीं चल रही, क्योंकि रश इतना ज्यादा होता है लिटरली, है ना। बाय गॉड, बट आज लकीली हमने जाना था, हम इसलिए पहले भी निकले थे कुछ कि गैस पे टाइम लग जाएगा, बट थैंक गॉड यहाँ पे नहीं है इतना लाइन, तो वी हैव सम टाइम। ये देखो लाइन देखो आप, हमारे गंदे शीशे काफी ज्यादा हुए हैं। आई डोंट नो, ये भी नहीं चल रहा मेरा वाटर वाला, पता नहीं क्या चक्कर है, पानी भी है पर फिर भी नहीं चल रहा है ना। मैंने कुछ नहीं किया, तमन्ना गाड़ी चलाती है, तमन्ना कुछ कर भी सकती है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा, मतलब 1-2 व्लॉग्स पहले, कि तमन्ना को गाड़ी चलानी आती है। मम्मा को अप्रूव हो गया? हाँ, मम्मा तो मान, क्या बोलते मम्मा? ठीक है। मम्मा ने कमेंट भी किया था। हाँ, मम्मा ने कमेंट भी किया था, और काफी लोगों ने लाइक भी किया था तमन्ना की। मम्मा का कमेंट मैंने देखा 7-8 बंदों ने लाइक किया हुआ था, है ना। कैसा लग रहा है आपको आपकी मम्मा को बता के कि आपको अब गाड़ी आ गई है चलानी? इतना फेमस नहीं होना मेरे को। तो अब इस वाले बंदे ने ना बाहर जाके उसको बोलता है कि भाई तू गाड़ी बढ़ ले अब जल्दी से, क्योंकि बीच वाले का काम हो चुका डन, बट फर्स्ट वाले का नहीं हुआ अभी तक। तो वो फर्स्ट वाले का वेट कर रहा है पीछे वाला, और उसका वेट कर रहा है ये वाला, और उसका वेट कर रहे हैं हम। हमें तो कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हम 3 घंटे आज जल्दी आए हुए हैं। बस सही है, इसीलिए हम आराम से बैठे हुए हैं, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट और लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे तेल का सीन ऐसा है, पहले हमें अंदर जाके ना वो करना पड़ता है, यहाँ पे कोई खुद नहीं भरता भाई, यहाँ पे आपको खुद ही भरना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बंदे नहीं होते जो इंडिया में बंदे होते थे, भाई 20 का डाल दो, 50 का डाल दो, 20-50 का तो अब स्कूटियों में डलवाते थे, यहाँ पे तो चलो टैंकी अलग ही फुल होती है। तो सीन ऐसा है कि हम जब यहाँ पे अंदर जाते हैं, पहले पे करते हैं, फिर उसके बाद हमें वहाँ पे वो जैसे अलॉट कर देते हैं, $40 का तेल इस पंप इस नंबर से निकलवाना है, तो इस नंबर से आप फिर 40 का तेल भर सकते हो। कभी कभी सेल्फ पे ऑप्शन भी होता है, वहीं पे आप पे कर दो। अब देखो चल पड़ी, चलो 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 चलो।
तो आज का सीन ऐसा है कि अब हम आ गए हैं कॉपर चिमनी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। क्या बोलते हो, इनको सुन रहा होगा? धीरे सुन रहा होगा ना आपको। अब हम इतनी जोर की अगर बोल नहीं सकते। हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया? एक वेज थाली और एक डोसा थाली। तो डोसा थाली में भी दिखाएंगे आपको सारे, डोसा भी है और वड़ा भी और इडली भी है, सांभर भी है, सारा कुछ है। तो आज फाइनली हमारी डोसा खाने की चाहत पूरी हो रही है। अभी तो मतलब बोला है 20-25 मिनट का वेट है जस्ट खाना आने के लिए, और हमारी मूवी का टाइम भी 1-1.5 घंटा ही रह गया है। तो लेट्स सी अगर हम टाइम पे पहुंच पाते हैं या फिर से वही हमारा लेट वाला सीन होने वाला है। हाँ, तो देखते हैं क्या सीन है। अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं खाने का, लेट्स सी हाउ इट गोज। खाना यहाँ पे बहुत टेस्टी होता है, हम 2-3 बार आ चुके हैं। पहली बार आए थे मेरे बर्थडे पे और हमें बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, अभी मतलब अभी तक हमारा देखा जाए ये अच्छा वाला सबसे अच्छा है। विनीपेग में अगर किसी ने भी मतलब इंडियन फूड खाना है तो कॉपर चिमनी अच्छा है, बहुत अच्छा। तो चलो वेट करते हैं, देन आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है खाना, एंड फिर हम खाएंगे। चाय की वो हो गई है कि चाय पीनी है अब, क्योंकि नींद बहुत आ रही है और मूवी अभी देखनी है हमने, तो हमने अभी चाय ऑर्डर की है। कैसी लगी चाय? ठीक है, मतलब घर पे ज़्यादा स्वाद होती है, तुलसी वगैरह कुछ नहीं है बीच में। लाइक मेरे को इलायची अदरक वाली पसंद है, वो नहीं है, सिर्फ पत्ती वाली चाय है, बट या इट्स गुड। तो तुम्हारा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम ठंड लगवा दी पहले तो। क्या टेम्परेचर क्या बार? -25 हो रखा है, और मैं वहाँ से आई भाग के, इधर मैं बोल रही हूँ गाड़ी का डोर खोल दो, बोला खुला हुआ है खुला हुआ है। मैं बोल रही हूँ नहीं खुला, तभी तो बोल रही हूँ खोल दो, नहीं बोला खुला, मैं बाहर ठंड में गाड़ी का डोर खोल रही हूँ। हाँ, कितना मिनट वेट किया आपने? पूरे 20-100 सेकंड। अच्छा कैसा रहा फिर खाना, कैसा लगा? हम उस टाइम कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि काफी ज्यादा रश था और इतना मतलब आवाज ऊंची हुई थी, तो हमने कहा जितना आपने सुना उतना ही सुना। बट डोसा पहले हमें ज्यादा मजा आया था, आपका क्या रिव्यू रहेगा? तमन्ना पिछली बारी डोसा जो था वो बहुत क्रिस्पी था, लग रहा था ऐसे मतलब अच्छा बना हुआ है, बट इस बारी डोसा थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया इनका, बट स्टिल सांभर वगैरह सब कुछ अच्छा था। एंड टॉकिंग अबाउट द थाली, सब वेजेस सारी अच्छी हमने लिया, क्या क्या था पहले ये बताओ। दाल मखनी बहुत अच्छी थी, और उसमें से जो चने थे वो ठीक ठीक थे। पिछली बारी हमने चना भटूरा खाया था, उसके चने बहुत टेस्टी लगे थे, पर इस बारी चने जो थे उसमें इतना स्वाद नहीं आया। तो मे बी बोल सकते हैं कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया, बट मे बी रश था इसलिए। हां, मे बी रश था इसलिए। हां, एक और चांस देंगे इसे। हां ठीक है, चलो लास्ट में अपने चाय कैसी लगी आपको? चाय मस्त लग रही थी, मतलब पहले तो ठीक थी, ठीक ठीक लगी क्योंकि घर वाली चाय की आदत पड़ी हुई है, बट फिर जब ऐसे नींद सी खुल गई, कड़क चाय बनी हुई थी। हमें भी बहुत मजा आया। अब हम जा रहे हैं मूवी देखने, मूवी हम देखने जा रहे हैं स्कोशिया थिएटर मूवी। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन नो वे होम, यहाँ पे ना यार एक नया उन्होंने नई मतलब मूवी थिएटर में चीज लाई है कि जैसे थिएटर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट स्क्रीन होती है, राइट? अब वो स्क्रीन स्ट्रेट नहीं होगी, उसके लेफ्ट और राइट पे वर्टिकल हो जाएंगे, नॉट कर्व्ड, बट आई बिलीव कि एक एक्स्ट्रा स्क्रीन दो ऐड कर देंगे। वो देखेंगे जाके कैसा सिस्टम होता है, पहली बार हमारा इस टेक्नोलॉजी को वो बोलते हैं स्क्रीन एक्स। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब हम कभी भी टिकट्स बुक करते हैं हमें पैसे पे नहीं करने पड़ते टिकट्स के, क्योंकि हमारे पास मतलब जब से हम बचपन से बोलने लगा था, जब से हम कैनेडा आए हमारे पास स्कोशिया का कार्ड होता है, वो कनेक्टेड होता है सीन पॉइंट्स के साथ। सीन पॉइंट्स वो होते हैं जिससे हम टिकट बाय करते हैं सिनेप्लेक्स की, और सिनेप्लेक्स क्या होता है, वो होता है थिएटर, ठीक है? तो ऐसा सीन चलता है, अगर हमारे पास 1500 पॉइंट्स है, 1500 नहीं 1250 पॉइंट है, तो हम एक टिकट ले सकते हैं और $1.1 स्पेंड करने में मिलता है। हमारी ऑलमोस्ट हर बार फिल्म फ्री हो जाती है। आपने कभी पैसे खर्चे हैं मूवी के आज तक? नहीं, एक बारी मेरे को क्या हुआ था, मेरा सीन कार्ड लॉग इन नहीं हो रहा था, तब खर्चने पड़े थे, बट $14 की आ जाती है वो भी टिकट, भी महंगी नहीं होती है यहाँ पे, बट स्टिल अगर सीन पॉइंट होता तो क्या ही बात है ना। हाँ, और ऐसा सीन होता है कि जो नॉर्मल मूवी होती है वो 1250 पॉइंट होती है, पर जो आज हम देखने जा रहे हैं वो 2000 पॉइंट है, तो मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल मूवी होती है वो $10-11 की, इधर टोरंटो में वो $14 की थी, और जो ये वाली मूवी है ये $15 की है, तो वो उस हिसाब से डॉलर्स बढ़ते हैं और उस हिसाब से पॉइंट्स भी बढ़ते रहते हैं। तो मूवी के लिए मैंने आज तक जिंदगी में 1 रुपया नहीं कभी खर्चा, तो यही था, चलते हैं जल्दी से। एंड इनफैक्ट मूवीज तो क्या कि आप पॉपकॉर्न ड्रिंक्स जो भी स्नैक्स होते हैं वहाँ पे वो भी सीन पॉइंट के आ जाते हैं। हाँ, तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहे बट आपको फायदे बता रहे हैं, सीन पॉइंट के बहुत फायदे होते हैं अगर स्कोशिया का कार्ड है आपके पास, बट बाद में जाके आपको कैशबैक वाले कार्ड भी काफी मिल सकते हैं, वो आप ले लेना, बट हमें अभी स्कोशिया के कार्ड ही है हमारे पास, और स्कोशिया में हमें मैंने अपने सोनी के WF
एफ आई थिंक जो हेडफोन्स होते हैं मतलब सोनी के हेडफोन्स होते हैं छोटे वाले ईयरबड्स, वो $200 के फ्री लिए थे क्योंकि मैंने सीन पॉइंट से बेस्ट बाय के कार्ड लिए और बेस्ट बाय से फ्री लिए। और सौरभ ने भी यही किया था, हम $400 के जो हेडफोन्स थे दो पेयर वो लेके आए थे फ्री। तो मतलब काफी ज्यादा पॉइंट होते हैं, अब एक बार काफी ज्यादा फायदे होते हैं सीन का, तो वो तो बातें बाद में रही, पर भी चलते हैं मूवी देखने। याद है कल का कुछ जो आपको मैंने मूवीज के रिकैप दिखाए थे? सारे याद है मतलब देखते-देखते याद आ जाएगा, देखते-देखते याद आ जाएगा। ठीक है, गॉब्लिन कौन था? वो जो गंदा वाला बंदा। गंदा इतना तो पता लग ही जाएगा कौन सा गंदा, बड़े गंदे बंदे थे। ग्रीन वाला। याद है, इसको याद है। चलो देखते चलते हैं फिर, चलो जल्दी से। भाई ठंड इतनी ज्यादा है ना, मेरी मूछें जम रही हैं और मैंने खाली एक हुडी डाली हुई है। तो मैं ना ये फायदा ना आपको, आपकी मूछें नहीं होती, आपकी जमती भी नहीं है, हमारी मूछें जम रही हैं, लिटरली बता रहा हूँ। -26 सर्दियों में ना मैं वॉक करके जब काम पे जाती थी यहाँ पे, हाँ, तो आई लैशेस पूरी व्हाइट हो जाती थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। मैं आपको थिएटर दिखाता हूँ अभी। चुके हैं, मूवी इतनी ज्यादा अच्छी थी। तुम्हें कैसी लगी पहली मार्वल की मूवी? पूरी पूरी ऑसम थी मूवी, बड़ा मजा आया। मतलब मैं तो विश ही नहीं कर रही थी कि खत्म हो। तमन्ना को मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, बोल रही है ये कौन है। मैंने पहले देखा नहीं ना, इतना तो कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन कौन है। और इस टाइम -27-28 के करीब होगा, बहुत ठंड है। और हम खाली वहां से मतलब 100 मीटर चल के आए हैं, बट स्टिल मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। चलो अब बज चुके हैं रात के 1:30-10:30, मूवी शुरू हुई थी, 2.5 घंटे की मूवी थी यार, बहुत लंबी मूवी थी, बट मजा आ रहा था। पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी। हाँ, तो पोस्ट क्रेडिट लोग उठ रहे थे, तो बन्ना कहती ये क्या होता। मैंने कहा मार्वल वाले जो होते हैं वो अपनी मेन छाप छोड़ते हैं पोस्ट क्रेडिट की। मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, बहुत मजेदार मूवी थी, जरूर चेक करना। और अब मैं तमन्ना को आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा सारी मार्वल की मूवीज चेक करे, ताकि इसको पता लगे क्या सीन है। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हमें लग रही है ठंड भाई। अब हम चलते हैं घर, एंड देन वी विल गोना स्लीप, क्योंकि सुबह 7 बजे तमन्ना ने उठना है, मैंने 8 बजे उठना है। मेरा गला ऐसे ही होता है, ठीक हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो ठीक है, ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन एंड स्टे सेफ, बाय।